इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। जाम साहब, आपने अभी बात की कि पहले वाले जो आए वज़ीर आज़म या मुल्क के सरबराह, तो उन्होंने वो तवज्जो बलूचिस्तान को नहीं दी जो देनी चाहिए थी। उसकी बहुत बड़ी वजह एक हमारे सिस्टम जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके अंदर एक उसमें आपको नजर आती है कि क्यों उन्होंने बलूचिस्तान को तवज्जो नहीं दी। अगर मैं भी आऊं प्राइम मिनिस्टर बनूं और मेरा सिर्फ मतलब ये हो कि मैं इलेक्शन सिर्फ जीतनी है और मैं वो हर वो काम करूं इलेक्शन जीतने के लिए ताकि मैं फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, तो मैं वाकई बलूचिस्तान के ऊपर इतना टाइम नहीं गुजारूंगा, क्योंकि बलूचिस्तान से तो मैं इलेक्शन नहीं जीतने लगा। तो मैं ये सोचा कि बजाय बलूचिस्तान में जाने के लिए मैं क्यों ना लंदन में जाना इस गर्मियां गुजारूं और हैरिट्स में शॉपिंग करूं। तो मैं जो इतनी मेहनत से मैंने करप्शन का पैसा बनाया होगा वो मैं वहां खर्च करूं बजाय मैं यहां के बलूचिस्तान में आपकी टाइम स्पेंड करूं। तो लिहाजा एक नवाज शरीफ ने 24 लंदन में ट्रिप्स की अपने दौर में, 22 प्राइवेट ट्रिप्स थी, 22 भी नहीं बल्कि 23, एक दफा ऑफिशियल ट्रिप, 23 वो प्राइवेट ट्रिप्स करने गया लंदन। तो बलूचिस्तान तो मेरे ख्याल में वो दो दफा भी नहीं आया, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो 10 गुना ज्यादा दफा बलूचिस्तान से हैरिट्स में शॉपिंग कर रहा था। और दूसरा आसिफ जरदारी, उसने 51 दुबई की ट्रिप्स की, मेरे ख्याल में एक दफा भी यहां नहीं आया होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इनके लिए, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान उधर नहीं पहुंचा जिधर पहुंचना चाहिए था, क्योंकि वो उनके मकासद और थे। अगर कोई पाकिस्तान का सोचेगा वो जरूर बलूचिस्तान का सोचेगा, अगर वो कोई इलेक्शन का सोचेगा, अगर वो इलेक्शन का सोचेगा तो वो सोचेगा कि फैसलाबाद डिवीजन, सिर्फ फैसलाबाद डिवीजन में बलूचिस्तान से ज्यादा नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, तो वो वहीं तवज्जो दे दे, वो पास भी है। तो ये हमारी बदकिस्मती से जिस तरह हमारा मुल्क इवॉल्व किया है, ये बहुत बड़ी हमारी, अगर आप देखें कि हमारे इलाके पीछे हैं। अब फाटा सारा कबायली इलाके के अंदर, जिस तरह बलूचिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मीनिंग कि कितना इंसानों के ऊपर पैसा खर्च किया गया, तो आप देखेंगे ये सारे इलाके पीछे रह गए। नॉर्दर्न एरियाज हमारे, उधर किसी ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उधर से भी इलेक्शन किसी ने नहीं जीतना था। तो वो सिर्फ उन एरियाज को देखते थे, वो कैलकुलेट करते थे कि 5 साल में मैं ये इलाके इधर मैं पैसा खर्च करूं, इधर से मैं जीतूंगा, फिर वापस वजीर आजम बन जाऊं। तो हमारी बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन ये रियलाइज नहीं करते कि अगर वो सारे पाकिस्तान के ऊपर तवज्जो देते तो वो शायद अभी भी वजीर आजम बने रहते, क्योंकि मुल्क सारा इकट्ठा मुल्क उठता है। ये नहीं होता कि एक छोटा सा इलाका उठ जाए और बाकी मुल्क पीछे रह जाए। मुल्क कौमें तरक्की इस तरह करती हैं कि वो हर कौम, मसलन बलूचिस्तान में कोई एडवांटेज है, यहाँ के आपकी मदनियात सबसे ज्यादा हैं, पंजाब में गंदों में वो ब्रेड बास्केट है, कराची सिंध जो है, कराची हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, नॉर्दर्न एरियाज वो टूरिज्म के लिए और फिर पख्तूनख्वा में टूरिज्म, तो हर इलाके की मुख्तलिफ चीजें होती हैं। तो मुल्क कैसे आगे बढ़ता है जब सारा मुल्क मिल के मुख्तलिफ जो एडवांटेजेस मुख्तलिफ इलाकों के होती हैं वो सब मिला के मुल्क ऊपर उठ जाता है। तो जब आप तवज्जो नहीं देते मुल्क की तरफ, तो आप छोटे थोड़े थोड़े इलाके आप पैसा खर्च कर देते हैं, वो थोड़ा आगे जाते हैं, लेकिन मुल्क आगे नहीं जाता। तो बलूचिस्तान, मैंने हमेशा ये सोचा था कि अल्लाह ने जब मौका दिया हम बलूचिस्तान के ऊपर इसलिए तवज्जो देंगे कि बलूचिस्तान जब उठेगा, जब बलूचिस्तान में अमन होगा, जब बलूचिस्तान के लोग ये समझेंगे कि हमारा भी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान, इसके लिए हमें भी लड़ मरना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा भी सोचता है, हमारी बुनियादी जरूरियात का ये पाकिस्तान सोचता है, हमारी मुश्किलों का ये सोचता है। तो तब बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो जो तहरीक में लगे हुए हैं।
मैं वैसे सोच रहा हूं इनसे भी बात करने का कि ये हो सकता है कि इनको पुराने जमाने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों दूसरे मुल्कों से, हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। कभी भी बलूचिस्तान की तारीख में एक फेडरल गवर्नमेंट जो कि बड़े मुश्किल माशी हालात से निकल रही थी, और अभी भी अल्लाह का शुक्र है हमारे हालात अभी बेहतर हैं, लेकिन वो हालात नहीं कि हम इतना ज़्यादा बलूचिस्तान को पैसा दे सकें फेडरल पीएसडीपी से, जबकि इतनी ज़्यादा हमारे ऊपर पंजाब में और पंजाब के लोग सबसे बड़ा सूबा है वहाँ से बड़ी डिमांड्स हैं, सारे पाकिस्तान से डिमांड्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पैकेज हमने बलूचिस्तान को इसलिए दिया कि हमारा ख्याल है कि बलूचिस्तान के लोगों से वाकई इंसाफ नहीं हुआ, वो पीछे रह गए, और बलूचिस्तान से सेंटर ने भी इंसाफ नहीं किया और बलूचिस्तान के अपने सियासतदानों ने भी उससे इंसाफ नहीं किया। जो पैसा आता भी था मेरे ख्याल में वो भी सही तरह नहीं लगा, और वो लोगों ने अपनी जात के ऊपर वो पैसा खर्च किया होगा, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के लिए जो पैसा जाना चाहिए था, इसलिए वो जो सारा एक एहसास महरूमी फैलनी शुरू होगी बलूचिस्तान में, ये कभी ना फैलती अगर बलूचिस्तान के लोग भी जो अपने पॉलिटिशियंस थे वो भी अपना सही माने में अंदर जो भी पैसा मिलता था वो सही माने में खर्च करते। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक तो हमने सबसे बड़ा अपना पैकेज दिया फेडरल गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान को, लेकिन मैं सिर्फ ये गवादर के लिए जो हमने कोशिश की अब तक, और ये अभी शुरुआत है, इंशाल्लाह ये बढ़ती जाएंगी। एक तो हम डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर पूरी अब कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एक लगे चाइनीज़ के साथ मिलके भी, एक 300 बेड का टीचिंग हॉस्पिटल बन रहा है। ये टीचिंग हॉस्पिटल ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे फिर आपके डॉक्टर्स भी ट्रेन होते हैं यहाँ, आपकी नर्सेज भी ट्रेन होती हैं, तो यही नहीं कि हॉस्पिटल इलाज करता है, वो ट्रेन भी करता रहता है। उसके बाद फिर जो जाम साहब ने भी बात की कि ये जो बाहर से बड़े बड़े ट्रॉलर्स आते हैं और हमारे सदियों से यहाँ लोग, उनकी सिर्फ रोजगारी है कि समुद्र में मछलियाँ पकड़ें, और ये बड़े बड़े ट्रॉलर्स आते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता जो इनका रोज़गार है वो देखते हैं कि कम होती जाती है मछलियाँ। तो हमने अब पूरी तरह ये जो बड़े बड़े फॉरेन ट्रॉलर्स आते हैं इनके ऊपर हमने पूरा बैन लगा दिया, और वो जो चाइनीज़ ट्रॉलर की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई चाइनीज़ गवर्नमेंट हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको कोई इस चीज़ में बुरा नहीं होगा कि कोई इल्लीगल गैर कानूनी तौर के ऊपर आ यहाँ फिशिंग करे, उनको कोई नहीं होगा। हम पाकिस्तानी कोई चीज़ चाइना में इल्लीगल करे तो चाइनीज़ उसको सजा देते हैं, और हाँ कहीं भी दुनिया में कोई करे जो भी कानून तोड़ता है उसको सजा मिलनी चाहिए, तो मेरे उसका उनको कोई इतराज़ इसका नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मैं आपको श्योर कर देता हूँ कि अपने ये जो मेहनत कश लोग जो बड़ी मुश्किलों से अपनी रोज़ी कमाते हैं, हम आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन देंगे। एक हमने कर्जे दिए हैं कामयाब जवान में, हमने 10 अरब रुपए के कर्जे कामयाब जवान प्रोग्राम में और मैरीटाइम जो हमारी मिनिस्ट्री है इन्होंने मिल के प्रोग्राम बनाया हुआ है कि मछलियों पकड़ने वालों की जो इनकी किश्ती है उनको अपग्रेड करना, इनका जो भी ये इस्तेमाल करते हैं मछली पकड़ने के लिए उन सारी चीज़ों को अपग्रेड करना, तो उसमें से अब तक हमने 10 अरब रुपया हमने एलोकेट किया था, उसमें से 5 अरब रुपया हम खर्च कर चुके हैं किसान मछलियाँ पकड़ने वालों के लिए कर्जे दे चुके हैं। फिर हम ये भी हमने फैसला किया था कि हम लो कॉस्ट हाउसिंग यानी हम सस्ते कर्जों के ऊपर लोगों को देंगे ताकि लोग घर बना चुके, तो हमने एप्लीकेंट्स मांगे हैं, 4000 गवादर से हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं, इसमें से हमने अब 200 जमीन की निशानदी की है जिसमें से 2500 घर हम इंशाल्लाह बनाना शुरू करने लगे हैं। सो ये लो कॉस्ट हाउसिंग है। फिर हमने स्कॉलरशिप्स का प्रोग्राम रखा है कि यहाँ के लोगों के लिए हम स्कॉलरशिप्स दें, ये और ये एहसास प्रोग्राम के नीचे
जो हमारा बहुत बड़ा एहसास का प्रोग्राम है, उसमें अब तक हमने जो हमारे प्रोग्राम में जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो 4,698 नौजवान हैं जिनको हम एहसास की स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। और फिर हमारी ये कोशिश है कि जो कम्युनिकेशन, देखें सबसे बड़ा मसला ये बलूचिस्तान का एक कम्युनिकेशन, इतना बड़ा इलाका है, आबादी फैली हुई है यहाँ, उनको पहुँचने के लिए कनेक्टिविटी का बड़ा इशू है। तो अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 3G 4G जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो आहिस्ता आहिस्ता हम बलूचिस्तान में सारी जगह फैला दें, ताकि लोगों के लिए उससे फ़ायदा ये होगा, आगे जाके लोग अपने घरों में बैठ के काम कर सकते हैं, ख्वातीन घर में बैठ के रोजगार करवा अपना कमा सकती हैं। तो ये हमारा अगला है कि हम कवर करें, तकरीबन अब तक मेरे ख्याल में 40% तक हम पहुंच चुके हैं, यह हमारी कोशिश है, लेकिन हम पूरे बलूचिस्तान तक 3G 4G की कनेक्टिविटी इंटरनेट की करना चाहते हैं, जिससे बिल्कुल एक सारे इलाके के अंदर एक इंशाल्लाह हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। मैं आखिर में आप सबको एक चीज़ फिर से इस चीज़ का एहसास दिलवाना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट हर साल हमारा इंशाल्लाह हमारी इकॉनमी जैसे जैसे उठ रही है, हमारी आमदनी जैसे जैसे बढ़ रही है, हम बलूचिस्तान के लिए, मैं जाम साहब आपको भी अश्योर करता हूँ कि हम बलूचिस्तान के लिए हर साल अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाते जाएंगे। और इसलिए बढ़ाते जाएंगे कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है कि बलूचिस्तान से जो एहसास महरूमी है, जो पीछे रह गई है, जो बाकी मुल्क आगे चला गया और जो बलूचिस्तान पीछे रह गया, इंशाल्लाह हम पूरा जोर लगाएंगे, हम भी आपके लिए करेंगे। और दूसरा, ये जो सी पैक है, ये असल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा सी पैक का बलूचिस्तान को है। आप देखते रहेंगे कि जैसे जैसे यहाँ डेवलपमेंट होती जाएगी, जैसे जैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट होती जाएगी, इंडस्ट्री आएगी यहाँ, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान के लोगों को होगा। और ख़ास तौर पर गवादर के लोग बड़े खुशकस्मत हैं, क्योंकि आपका बिल्कुल ये इलाका बदल जाएगा। और ये आप अपने जहन से निकाल लें कि अब ये होगी डेवलपमेंट तो यहाँ के लोगों को कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि ये लोग हमें कहते हैं सुई गैस जब निकली तो वो जो इलाके में लोग थे उनके ऊपर तो किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं, वो सारी पाकिस्तान में वहाँ से गैस निकल के सारे पाकिस्तान में गई, लेकिन वहाँ मुकामी लोगों को तो बहुत कम फायदा हुआ। तो ये अब जो तारीख से हमने ये जो इस नाइंसाफी से चीज़ सीखी कि आगे से ये अभी कभी नहीं होगा, सबसे पहले हम ये इंश्योर करेंगे कि मुकामी लोगों को पूरी तरह फायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।